हाफ मिलियन ट्रैफिक इन 1.5 इयर्स, इतना टाइम लग गया इस वेबसाइट की ट्रैफिक को गेन करने में, और वाहिद इस वेबसाइट से मैंने इतनी चीज़ें लर्न की हैं, आपकी सोच है। लेकिन उसी के साथ मैंने हज़ारों मिस्टेक्स भी ऐसी की हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ लर्न भी किया है, और अगर ये मिस्टेक्स मैंने ना की होती तो शायद यही प्रोग्रेस 6 माह के टाइम के अंदर भी मुझे मिल सकती। तो आज ऐसी 5 मिस्टेक्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो आपका 1 से 1.5 साल वेस्ट होने से बचा सकती हैं। एंड 3rd और 5th मिस्टेक्स वो हैं जो बिगिनर्स को भूल के भी नहीं करनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 1 है नॉट हैविंग अ प्रॉपर वेबसाइट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपकी वेबसाइट की हायरार्की को बोलते हैं, और जितना अच्छा स्ट्रक्चर होगा उतना अच्छा साइट गूगल में रैंक करेगी और आपको ट्रैफिक मिलेगी। एंड अगर स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा तो साइट रैंकिंग में स्ट्रगल करेगी। अच्छा स्ट्रक्चर होने से गूगल के लिए आसान हो जाता है आपकी वेबसाइट को ना सिर्फ फाइंड करना बल्कि अपनी सर्च में, अपनी डेटाबेस में इंडेक्स करना। स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरलिंक्स का, और इंटरलिंक्स करने से आपके जो पेजेस हैं वो आपस में ना सिर्फ इंटरकनेक्ट होते हैं बल्कि जो पावर है, जो ट्रस्ट है, वो पूरी साइट के पेजेस में फ्लो होता है। एंड ऑब्वियसली जब इंटरलिंक्स लगे होंगे तो विजिटर्स उन लिंक्स के थ्रू एक पेज से दूसरे पेज तक इजीली मूव कर सकेंगे। सो बैड स्ट्रक्चर की एग्जांपल ये हो सकती है कि आप लिविंग रूम का डोर ओपन करें और आगे स्विमिंग पूल मिले आपको, तो आप सोचने लगोगे यार यहाँ पे अब सोना है या नहाना है। इसी तरह से गूगल पेजेस को देखता है कि आपने किस तरह से इनको स्ट्रक्चराइज किया हुआ है। एंड डिसऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर की वजह से साइट बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देती है बिकॉज गूगल समझ ही नहीं पाता उस वेबसाइट के पेजेस को, और इवन कई ऐसे पेजेस तक वो पहुंच ही नहीं पाता। एंड यही रीजन है कि आप लोगों की अक्सर साइट्स रैंकिंग में स्ट्रगल कर रही होती हैं। स्ट्रक्चर में आपकी साइट की नेविगेशन, कैटेगरीज एंड पेजेस की इंटरलिंकिंग आ जाती है, और इस चीज पर सर्वे भी हो चुका है कि नेविगेशन का स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक नंबर 2, इररेगुलर पोस्टिंग। इररेगुलर पोस्टिंग काफी लोगों का मसला है। उसकी वजह ये है कि रेगुलर पोस्ट करने के लिए बजट रिक्वायर्ड होता है, लेकिन अब जितने मार्केट में AI टूल्स हैं, आप उनकी हेल्प से अपनी जो पोस्टिंग की फ्रीक्वेंसी है उसको एटलीस्ट मेंटेन कर रख सकते हो। सो रेगुलर पोस्टिंग का क्या फायदा होता है? जैसे ही आप अपनी साइट पे एक आर्टिकल पब्लिश करते हो, वो एक सिग्नल गूगल को जाता है। आप दूसरा आर्टिकल पब्लिश करोगे, वो दूसरा सिग्नल। जितने आर्टिकल्स पब्लिश करते जाओगे उतने सिग्नल्स गूगल को जाना स्टार्ट हो जाते हैं। जितनी फ्रीक्वेंसी से और जितना जल्दी ये सिग्नल्स जाते रहेंगे उतना ही जल्दी गूगल ये समझ जाता है, गूगल का बॉट, कि यहाँ से हमें ज्यादा पिंगिंग आ रही है, इधर अपना जो क्रॉलर है उसको सेट कर दिया जाए। ठीक है, अगर आप फ्रीक्वेंटली पोस्ट नहीं करते तो क्रॉलर बहुत इररेगुलर आएगा। अगर आप फ्रीक्वेंट पोस्ट करना शुरू कर दे तो क्रॉलर रेगुलर आना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पेजेस की जो कैलकुलेशन की स्पीड है ना, वो बढ़ जाती है गूगल के पास। आपकी रैंकिंग का प्रोसेस क्या हो रहा होता है? आपका पेज अपने कंपेटिटर्स के पेज के साथ कंपेयर हो रहा होता है। जितनी जल्दी आपका पेज असेस होने के बाद उनके मुकाबले में आएगा उतनी ही जल्दी आपकी रैंकिंग इंक्रीज होगी। थोड़ा सा टेक्निकल प्रोसेस है बट आप इसको समझने की देर है सिर्फ। सो कीप दैट इन माइंड कि अगर आप रेगुलर पोस्टिंग करते हो उससे ना सिर्फ आपकी साइट की जो इंडेक्सिंग है वो फास्ट होगी बल्कि आपकी रैंकिंग का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। तो कई लोग पूछते हैं कि कम टाइम में कैसे रैंक किया जा सकता है? पब्लिश मोर कंटेंट इन लेस टाइम, दैट्स हाउ यू विल रैंक इन लेस टाइम। मिस्टेक नंबर 3 है टारगेटिंग ओनली इजी टू रैंक कीवर्ड्स। तकरीबन सब लोग जानते हैं कि जितना इजी टू रैंक कीवर्ड टारगेट करेंगे वो उतना ही जल्दी रैंक होगा, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज काफी लोग मिस कर देते हैं वो ये है कि कंपटीशन एनालिसिस के चक्कर में आप लोग कई दफा ऐसे कीवर्ड्स को मिस कर जाते हैं जो आपकी उस कैटेगरी को कंप्लीट करते हैं। रेलेवेंसी का पार्ट आपकी साइट में से मिस होता है। सो टॉपिकल अथॉरिटी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर योर साइट। इसीलिए जब किसी एक टॉपिक के ऊपर आप काम कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं करना आपने कि जो इजी कीवर्ड मिल रहे हैं उनको पिक कर लिया है और जो थोड़े से डिफिकल्ट कीवर्ड्स थे उनको साइड पे कर दिया है। आपकी साइट हमेशा इजी एंड डिफिकल्ट कीवर्ड्स का जब कंबो बनती है देन इट इज अ रेलेवेंट साइट फॉर दैट टॉपिक, एंड जब तक आप उस टॉपिक पे डोमिनेट नहीं कर सकते तब तक आपकी साइट स्ट्रगल करेगी। मिस्टेक नंबर 4 है नॉट बिल्डिंग पावरफुल लिंक्स। सो बैकलिंक्स एक ऐसी हकीकत है जिसको आप कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। आप जो मर्जी कर लें, बैकलिंक विल स्टिल बी द नंबर 1 रैंकिंग फैक्टर। बट अगर आप इजी टू रैंक कीवर्ड्स फाइंड आउट करते हो, यस यू कैन रैंक देम विदाउट बैकलिंक्स, बट द थिंग इज अगर वही कीवर्ड्स किसी और के हाथ में लगते हैं एंड वो आपको रैंकिंग में देखता है, इफ दैट पर्सन मेड बैकलिंक्स एंड यू डिडंट, आपने नहीं बनाए और उसने बना लिए, वो आपको आउट रैंक करेगा, तब आपको बैकलिंक्स की जरूरत पड़ेगी एंड देन आपको उसकी इंपॉर्टेंस फील होगी। तो भाई उससे पहले कि कोई आके आपको आउट रैंक कर दे, व्हाई नॉट यू सस्टेन योर स्पॉट बाय मेकिंग बैकलिंक्स। सो सिर्फ इस मकसद के लिए बैकलिंक्स आपको नहीं चाहिए होते कि आपकी साइट रैंक हो जाए, बल्कि उस रैंकिंग को सस्टेन रखने के लिए भी आपको बैकलिंक्स की जरूरत पड़ेगी। एंड मिस्टेक नंबर 5, नॉट अपडेटिंग ओल्ड आर्टिकल्स।
सीन्स कुछ ऐसे हैं कि न्यू आर्टिकल्स पब्लिश करना एक अच्छी बात है, लेकिन एक टाइम आएगा जब आप भी कहोगे कि यार अब कितने नए आर्टिकल्स पब्लिश करें। हो क्या रहा होता है आपकी साइट के साथ, आप जैसे जैसे नए आर्टिकल्स पब्लिश करते जाओगे पुराने आर्टिकल्स की रैंकिंग ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज न्यू कंपेटिटर्स आते हैं, नया कॉन्टेंट आता है। सो आपकी जो साइट होती है वो आहिस्ता आहिस्ता पुराने पेजेस की रैंकिंग को लूज करना स्टार्ट कर देती है। सो अगर आप चाहो तो आप नए आर्टिकल्स को पोस्ट करना बंद कर सकते हो, रादर देन यू कैन व्हाट यू कैन डू इज जो पुराने आर्टिकल्स हैं भाई उनको पकड़ो, उनको वन बाय वन अपडेट करो, उनका एनालिसिस करो एंड उनकी रैंकिंग को इंश्योर करो कि भाई वो एटलीस्ट जिस स्पॉट में है वो उससे नीचे नहीं जाए। अदरवाइज आप नए आर्टिकल्स लिखते जाओगे वो रैंकिंग में आएंगे, पिछले आउट होते जाएंगे, फिर अगले आते जाएंगे पिछले निकलते जाएंगे, तो इस तरह से कभी भी एक साइट ग्रोथ मोड पर नहीं जा सकती। दिखने में बहुत बिजी लगेंगे आप और ऐसा लगेगा कि साइट के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, बट हकीकत में क्या हो रहा होगा कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होगी साइट की, जिसकी वजह से आपकी साइट की जो ट्रैफिक होगी वो कभी भी ग्रोथ मोड में नहीं जा सकेगी। सो होपफुली इन मिस्टेक्स को आप अपने माइंड में रखोगे जब आप साइट पे काम कर रहे होगे एंड अपनी साइट को ग्रोथ मोड में लाने के लिए आपको इन मिस्टेक्स से अवॉइड करना है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।